तमा से दुआ पर हजरत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह मकुन वली कल हजरत इब्न हसन अलस्करी अलैहि सलाम सलातु काले वाला बाय फियाज एसात मुफीक लसात सात लैल नहार वली अम हाफिज अम कैद मनासिल अम दलील अम आयना हता तुसके नहो अर्जका तोवन वतमतु फिया तवीला यार पर मोहम्मद माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद नारे तकबीर अल्लाह अकबर खालिक ना सारे बुलंद आवाज ना चाहो नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी इल्हाद बुलंद करके नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम नारे सलवा अपने अपने नेक हजात की कबूलियत वास्ते एक दफा बुलावे सलवात पढ़ो चाहे पाक पारस की आमद वास्ते सलवात उच्ची आवाज न पढ़ो पाक खानदान की आबादी वास्ते एक दफा बुलावे इबादत करो सलवात इंतन पाक दे नाम दी पंजवी सलवात छलकती हुई पढ़ो बाबा अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद माल मुहम्मद वाजिल फरजाल मुहम्मद लारे शेखिमला साहब पहले दुआ करें ना पाक भेड़ फिरा थोड़ा टूर है कबूल फरमा सदा दिए फूड़ी भी छाई मौला कबूल फरमावे जितू जितू मौला दे आजाद आप टूर के आए बैठे हुए पाक मसूमा सैन का दरबार है राजपाल पाक इमाम दी पाक दीए अल्लाह भावें पाक अजीम दरबार दे विचू बंबई मैं हकीर फकीर दे सारे झोलियां पूर करके बे सदके थे मैं वो मिले आजादार याद है सदर फकीर तू बीबी का दरबार है चाहते टूर बंजन तो बाद ही जेवर कहनी काफी देर का मिंबर पार के कुछ बैठा इबान का सिला मैं कुछ तो आपको वो भेड़ फिरा बेसन जिन्ना भेड़ फिरा वहां का बच्चा पूछ ए खुश नसीबी है इतनी देर जन्नत ही बैठा रही जन्नत के मालक का जिक्र थीदा रहे मैं भी सुनता रही तू सब सुनते रहे तू बीबी को परचाते रहे चाहे को कह नहीं परचाया मैं कोई लंबी मजलिस नहीं पढ़नी इजाजत हो तो थोड़ी जी ड्यूटी पेश करे ना अब ऐसे एक हाशमी सैयद सरदार मैं को हुक्म दिता है सरदार फकीर आज की मजलिस मैं को यतीम दादे की शादी सुनवा अगर इजाजत हो तो 5-7 मिनट की मजलिस पढ़ता एक अजादार सैयद के दिल की हसरत है अगर हुक्म दो तो सैयद के हुक्म की तबीर पूरी करना चाह एक लफ्ज आख के इंतजार खत्म करवाना मेरे बाद मेरे नहायत ही वाजिब उल एहतराम बुजुर्ग बैठे जिन्हें मेरे बाद पढ़ने मैं हकीर फकीर का नाम दर्ज थी वे रजिस्टर से जड़ी आज लिस्ट वैसी ना साया तो बस नाम दर्ज थी वे इतनी ड्यूटी डेमणी है इना मुहर्रम की रात मावा दिया झोलियां तू सुनते है वे सारे करीमे कर बला मौला ना मुहर्रम की रात चाचा दवार चार हिस्सा तकसीम की है जेड़ा आखिरी हिस्सा रात का आई वो भेण ते रले गुजार बाबा सी एक लफ्ज का वादा कि तुम देखे मेरे पास मैं लंबी मेहनत नहीं पढ़नी मावा दिया झोलियां तू सुनता है सारी रात भेण फिरा तक गल चुंदी रहे फिरा भेण का सर चुंदा रहे
अदातारो जड़े वेले रात ढली है ना, ढलती रात तो डिठा एक बार दे बाबे बत भेड़ ना सब चुमासी अदे अम्मा दी जाई तू मेरी सलाहकार भेड़े भला देखना रात ढल गई है ते हुणे थोड़ी देर तक धाम भी वैसे अगर मैं कुछ आदत देवे सलाह देवे मेरे मिशन की जो आती भेवाल भेड़े अगर तू मैं सलाह देवे तो मैं परदेश एडे औखे टाइम एडिया औखिया घड़िया च अगर तू सलाह देवे तो लादे तो अपने यतीम बचड़े को बनला बनावा चा जे तू आखे तो थोड़ी देर वास्ते मैं कासम को सेहरे लपावा चा पहला कीता है माने पर्दे ते अंदर उठे सारिया बीबी आईया बैठिया मुकान खलन ते सारे ईमान है ना तो यतीम मौला दी अमड़ी भी आई बैठी जड़ी पऊ ओखे 13 साल वटे पे पलेंदी कै वेले फिरा दी डाड़ी दा सज्जा पासा चुमदी है कै वेले खप्पे पासे ते पोसे ते के आदी हुसैन जी मैं तैदा तीले ना ही मैं भेण दा भी तीले भावे जो हिक लहजे ता बनरा बना बना सब इना मुहर्रम ती सुबह को बाबा नौकर दी तैयार करे छे कतरा साहब हर तटे ते सुबह दी अजान तू थोड़ा जिया पहले शहजादे मौला अमीर कासिम ते सेहरा दी रस्म अदा थी मीदी बाला बरामद थी दे मैं अदा ए उमा ते दिल दी हसरा थई जड़ी 13 साल औखे पलेंदी रही अम्मा दी जाई बत आखो अम्मा भर जाई कू सारिया बीबिया को अपने सोने पुत्र की शादी ते कांडे देवे मैं परदेस च अपने यतीम बचड़े को सहरे पै हूँ यूसुफ शाह सैदा का दरबार है सैयद बानीहिन सैदा की दादी का दरबार है तेरे वतन का फकीर लोगों सैदा के दरवाजे का तेरे को जड़े वेले सैन दिखती उस इतला अत मेरे यतीम मौला की अमड़ी बैठी रही उस सारिया बीबिया को अपने पुत्र की शादी के कांडे दिते अगर इजाजत होवे तो एक अदादार सैयद दिल की हसरत पूरी चक्कर दसावा जो मेरी सैन अपने यतीम बचड़े की शादी के कांडे कि आदिवती शादी है मेरे लाल दी कांडे ए मैं दे दिया शादी
ਫਕੀਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੇਂਦੀ ਦੇ ਲੋਵਣ
सादात राम मोमिन इकराम।